आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो आइए देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ पे हैं। तो वो बनते हैं आपके थाइमस के अंदर, और जो पर्टिकुलर इम्यूनिटी आपको टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, उस इम्यूनिटी को आप क्या बोलते हो? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हो। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? CMIS बोल देते हैं। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम टी लिम्फोसाइट्स के 3 टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा होता है TH सेल्स। टी हेल्पर सेल्स भी हम इनको बोल देते हैं, हेल्पर सेल्स। ये क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? बी एंटीबॉडीज जो होती है या बी सेल्स होती हैं, उनको क्या करती हैं? एक्टिवेट करती हैं। अब उनको एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा? वो एंटीबॉडीज को सिक्रेट करेंगी, जिससे हमारी बॉडी को पावर मिलेगी किससे? एंटीजन से फाइट करने की। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स ने क्या किया? एक्टिवेट किया किसको? बी सेल्स को। फिर क्या किया? बी सेल्स ने क्या रिलीज किया? एंटीबॉडीज को। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, वो होती है आपकी टी के मींस किलर सेल्स। इन किलर सेल्स का एक स्पेसिफिक तरीके से काम करती है ये। सबसे पहले तो इन किलर सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है? टी हेल्पर सेल ही एक्टिवेट करती है। ठीक है, ये एक्टिवेट ही इनसे की जाती है। दूसरी बात, किलर सेल्स का काम क्या होता है? सपोज करो आपका ये पर्टिकुलर कोई एंटीबॉडी है, इस पे क्या होगा? ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इस पे आपका कोई एंटीजन आके बाइंड करेगा। इस एंटीजन ने इसको बाइंड कर लिया तो ये क्या कर देगा? ये पर्टिकुलर इसके अंदर एक पोर बना देगा इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? पोर्स को परफोरेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर इनके अंदर कोई पोर बन गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो लिक्विड सिक्रेट करेंगी, ये एक फ्लूइड सिक्रेट करेंगी, जो जल्दी से क्या हो जाएगा? इनकी पर्टिकुलर सेल के अंदर चला जाएगा, उस फॉरेन पार्टिकल के अंदर चला गया। अंदर अंदर जाने के बाद क्या होगा? उस एंटीजन को ये किल कर देंगे, वो फ्लूइड क्या कर देगा? किल कर देगा उस एंटीजन को। तो इस तरह से ये आपकी टी किलर सेल्स हैं जो काम करती हैं। इन्होंने बाइंड किया, फिर उन्होंने परफोरेंस बनाई, पोर्स बनाई, फिर उनके पोर्स के थ्रू क्या हुआ? फ्लूइड एंटर किया और फिर उसने एंटीजन को मार दिया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप की, टी मेमोरी सेल्स। जब भी कोई पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होती है इन पर्टिकुलर सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, तो क्या होता है? वो जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तब साथ साथ मेमोरी भी, मेमोरी सेल्स भी बन जाती है, ताकि ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी काम में आ सके। और ये ऑलरेडी स्टोर हो जाती है कहाँ पे जाके? लिम्फेटिक टिश्यू में जाके, लिम्फेटिक टिश्यू में जाके। जब भी इनको सेकेंडरी रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है या जब भी वही सेम एंटीजन अटैक करता है तो आपके लिम्फेटिक टिश्यू में जब ये स्टोर होती है मेमोरी सेल्स, तो ये उस पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल से बच सको और वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसीलिए ये इस वे में टी मेमोरी सेल्स काम करते हैं। तो आपके ये 3 टाइप्स हो गए टी लिम्फोसाइट्स के, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स और टी मेमोरी सेल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।